यहाँ पे तो सारा पानी है, पौधे लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शमेर ज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें सुकून घर में सब्जी लगाए हुए आज दूसरा दिन है, और बाकी सब्जी तो अभी महसूस नहीं हो रही, लेकिन इस साइड पर हमने मेथी लगाई है और मेथी जो है वो थोड़ी थोड़ी निकल रही है। लगाने से पहले बताया जा रहा था कि मेथी जो है ये बहुत जल्दी होती है, मतलब कि 2-3 दिनों में ये निकलना शुरू हो जाती है। और इस साइड पे हमारे जो पौधे हैं, यहाँ पर फालसे का पौधा, उसके पत्ते फिर से खाना शुरू कर दिए हैं, और ये सुंडी नहीं है, एक टिड्डी उसे हम कहते हैं, वो टिड्डी जो है वो खाती है, इसको भी खा रही है। और यहाँ पर अमरूद इतना खूबसूरत हो रहा था, इसके सारे पत्ते वो खा गई है। नज़र नहीं आती ये क्योंकि उड़ती है और खा के वो उड़ जाती है, तो इसको स्प्रे करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर ट्राई करते हैं स्प्रे करके भी, देखते हैं क्या बनता है। कल हमने अपनी सब्जी को तो पानी लगा दिया था, लेकिन हम बैंगन को नहीं लगा सके, तो बैंगन के पत्ते जो है ना ऐसे लग रहे हैं जैसे सुखड़ गए हों। या अल्लाह, मेरे मोस्टली 2-2 दिन व्लॉग नहीं आते, और मेरे तकरीबन सभी व्यूवर्स को पता है कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, सर में दर्द होता है, तो मैं व्लॉग नहीं बना सकता। आज फिर मेरे सर में दर्द है और शिद्दत का दर्द है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँ और इस दर्द को ना थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश करूँ, कि इसका जो है वो मेरा माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाए। क्योंकि पहले मैं बैठा था तो बहुत ज़्यादा दर्द था, मैंने कैमरा उठाया है, आपसे गपशप करना शुरू की है, तो अब महसूस हो रहा है कि जैसे दर्द जो है ना मैं भूलता जा रहा हूँ। तो उसके लिए आज मेरा दोस्त आया है कैश, तो उसी ने कहा है कि हम घर से बाहर निकलते हैं कहीं घूमने फिरने के लिए, तो निकलते हैं, आप ही मेरे साथ रहिएगा। और मैं यहाँ पर बैठ के गपशप कर रहा था क्योंकि अब गुल कलगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इसका बीज भी बढ़ना शुरू हो चुका है। ये जगह अब हमारी ग्रीन होगी और यहाँ बैठना भी अच्छा लग रहा है। इस साइड पे हमने दोबारा लगाए थे गुल कलगा, और माशाल्लाह जो दोबारा लगाए हैं वो अब अच्छे से हो रहे हैं। लेकिन हमारे सुकून घर की सफाई आज नहीं है, शायद हवा सारा दिन चलती रही है इसी वजह से ये सारे फूल वगैरह पड़े हुए हैं। और कीकर जो है वो इस साइड पे फैल रहे हैं, हमारे किचन के ऊपर आ रहा है, तो इस साइड पे जो शाखें फैल रही हैं उनकी हम कटाई कर देते हैं, बाकी जो है वो ऊपर जाएगा। काफ़ी दिन पहले हमें कर देनी चाहिए थी सफाई इसकी। चिड़िया बोल रही है और सफाई करें किस साइड पे जाके, इसकी कांट छांट करने के लिए हमें बैक साइड पे जाना पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि नीचे जाएंगे तो ये हमारे ऊपर गिरेगा। खैर, यहाँ से कोई रास्ता बनाते हैं। इस ज्वार की कटाई भी शुरू हो चुकी है और अब की बार तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, तकरीबन 8 फुट। ओए कांटे हैं, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। दीवार की अगर लिपाई नहीं होती ना तो इसका खतरा है गिरने का भी। काटी हुई शाखें ऐसा लेके जा रहे हैं बकरे को डालने के लिए। अब हमारे बकरों में से सिर्फ युम तो अल्लाह को प्यारा हो गया, सिर्फ बरका बचे हैं। और ये शाखें जो हैं, बरका जो है इसके पत्ते खा लेगा और सफाई भी हो जाएगी। ये सभी ले जाओ ऐसन। कटाई हो गई है और ये लड़का हमेशा तब आता है जब काम खत्म हो चुका होता है। ये बताएं कि आपने कटाई की या मुड्डू पटाई की? ये मुड्डू पटाई की है क्योंकि मेरे सर में दर्द था और मैं गुस्से से जोर से मारता था और वो उखड़ जाती थी, कटाई नहीं होती थी। हाँ, लकड़ी वापस करें, सही है। मिसवाक खुद बनाई यार,
ये हेल्प करने लगा मेरी और कुल्हाड़ी तोड़ दी इसने हमारी। यार उधर से बड़ा नुकसान हो गया। क्या उधर से जाओ कुल्हाड़ी लेके दिखा दो यार क्या है काम यार देखो भाईजान ये पहले ओ भाई टूटी हुई नहीं थी ये मैंने वैसे लगाया हुआ था ताकि हाथ पे लकड़ी ना लगे भाईजान ये आपने ही तोड़ी है वैसे हम जुड़ा के दिए असी नहीं लेंगे ऐसे होता था ना पेन तोड़ दिया कुछ मैं नहीं लेंदा मैं नवा ले के दे यार ये है कोई काम की बात यार वो रबड़ पड़ी है रबड़ को अब क्या करने इसको ऊपर दोबारा लगा नहीं नया डलवा लेंगे छोड़े रहने दे हाथ पे लगेगी अब हाँ सीधा चलें ये रास्ता किधर जाते हैं हाँ अगर ख़त्म हो गए तो वापस आ जाएंगे पहले हम इस साइड पे जाते थे आज हम एक नए ट्रैक पे जा रहे हैं देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है रास्ते कहीं नहीं जाते लोग चले जाते अच्छा कई सो आप चंगी गल करके आप ही आंदे हाय 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 क्योंकि कोई और दाद देता नहीं इस ट्रैक पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं और ये ट्रैक ख़त्म ही नहीं हो रहा कोई बाग भी है इस साइड भी अमरूद का अमरूद लगे हुए हैं चेक करो दरिया पे ही जाएगा ये रास्ता है और अब रास्ता छोटा होता जा रहा है यहाँ से आगे ये देखो झील इसमें मछलियाँ होंगी जो मर्जी कर लो कैसे चेक कर लो बस ओ यार ये घटिया लड़ा शुरू होता पी है जिस रास्ते पे हम आए थे वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया और अब हमें मेरे ख्याल में वापस जाना चाहिए नहीं वहाँ पे आगे रास्ता नहीं है भाग गया भाई वो ऐसे थोड़ा खड़ा रहेगा इधर था यहाँ पे लेकिन अब भाग चुका है घर से निकले हम एक सुकून वाली जगह की तलाश में और फाइनल हमें जगह मिल गई है लेकिन अब ये है कि जिस जगह पे हमने बैठना था वहाँ पे पानी है तो हमें यहाँ पर बैठना पड़ेगा ब्लैक बेयर यहाँ खड़ा कर दिए और वहाँ पे बैठ रहे हैं हम यहाँ पे तो सारा पानी है पौधे लगे हुए हैं इधर ही बैठने पहले हम यहीं पर आके बैठा करते थे कैस और मैं जब हम लाहौर में जॉब कर रहे थे और लाहौर से वापस आते थे तो सुकून के लिए इस जगह पे आया करते थे तो आज बहुत दिनों बाद इस जगह पे हम आए हैं सामने से नहर गुजर रही है और नहर हमें अब छोटी इसलिए नज़र आ रही है कि नहर है काफ़ी बड़ी लेकिन इसके पानी के ऊपर जो है ना वो पानी वाले पौधे आबी नरगिस जिसे हम कह सकते हैं वो उगे हुए हैं इसलिए थोड़ा नज़र आ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक हम अपने साथ लेके आए हैं बिस्मिल्लाह करते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं यूँ हुआ कि जब कोविड स्टार्ट हुआ तो हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो गई और हम यूनिवर्सिटी छोड़ के वापस गाँव आ गए तो तब मैं कोई फ्रीलांसिंग वगैरह या ई कॉमर्स दोनों नहीं कर रहा था और कोई भी काम नहीं था हाँ ये था कि हमारी जो सैलरी है वो चल रही थी और घर में प्रॉपर हम सुकून नहीं करते थे तब मेरा माइग्रेन भी था तो इसीलिए तब से मैं सुकून वाली जगहों की तलाश में था और इसी जगह पे आके हम बैठ जाया करते थे